हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई ब्लेसिंग, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। नमस्ते, मैं हूं शैव्या, आप लोगों के टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक, आने वाला नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है और क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गणपति बप्पा का नाम लेकर। ओम गं गणपतये नमः। हेलो जेमिनी मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ जेमिनी। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देखने वाले हैं। ओके जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर भी आ गए हैं यहाँ पर। सो ओके, सो जेमिनी, मुझे लग रहा है कि आपके करियर में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई न्यू ऑफर, न्यू ब्लेसिंग, न्यू प्रोजेक्ट आ सकता है और ये जो प्रोजेक्ट है आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा गेन कर सकता है। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा रही है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी आपको लेकर जा रही है। ऑल्सो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यस, आपका कोई रुका हुआ पैसा है तो वो आपको रिसीव हो सकता है और साथ में ना और कोई मनी आप लोग रिसीव कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव कर सकते हैं कहीं से, कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं किसी की तरफ से। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि यस, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, न्यू जॉब हो सकती है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। साथ में आप लोग है ना, अगर स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा सीखने का मौका आप लोगों को मिल सकता है और इसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा करियर में ग्रोथ देख सकते हैं आप लोग। और साथ में काफ़ी सारे लोगों की एडवाइस या गाइडेंस आप लोग फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि थोड़ा डिनाइल के मूड में हो सकते हैं कि नहीं, मुझे और अच्छा चाहिए, और अच्छी ब्लेसिंग्स चाहिए, भगवान जी मुझे और अच्छा ला के दो। तो लेकिन थोड़ा सा ना आपको कहा जा रहा है कि आपको इग्नोरेंस में या डिनाइल के मोड में नहीं हो रहा है, जो ब्लेसिंग्स आपको अभी रिसीव हो रही हैं वो आपको रख लेनी है, थोड़ा सा इसी पे ही वर्क आपको करना है, काम करना है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पास हाइपर एक्टिव एनर्जी में आप लोग रह सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग एग्रेसिव एनर्जी में भी रह सकते हैं और हड़बड़ी में थोड़ा सा आप लोग रह सकते हैं कि जल्दी जल्दी मैं ये सभी काम कर लूँ, जल्दबाजी में आप लोग रह सकते हैं। तो थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है पेशेंटली अपने काम को कीजिएगा, पेशेंस के साथ काम कीजिएगा। एंड अगर आपको अपनी बस, फ्लाइट या ट्रेन पकड़नी है तो जल्दी से टाइम से घर से निकल जाइएगा, नहीं तो आपको हड़बड़ी हो सकती है। कोई अगर आपको प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना है, होमवर्क कम्प्लीट करना है तो जल्दी से कर लीजिएगा, नहीं तो आपको वीक के एंड तक आते आते ना थोड़ा हड़बड़ा हट महसूस हो सकती है, टेंशन महसूस हो सकती है। साथ में न्यू स्किल्स डेवलप करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, पैशनेट रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे अपने काम को करने के लिए। कुछ अपने घर में कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिपेयरिंग वगैरह भी आप लोग करवा सकते हैं। अगर आप लोग बिजनेस में हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों का यहाँ पर अप्रेजल भी कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट आप लोगों का बढ़ सकता है। एंड कहीं इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में या ज्वेलरी में, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों की जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, काफ़ी ग्रो होते हुए भी मुझे नज़र आ रही है। लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, आपके एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। साथ में ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग इमोशनली काफ़ी हैप्पी महसूस कर सकते हैं, जो भी आप करियर में अपने काम कर रहे हैं इमोशनली काफ़ी हैप्पी महसूस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यस, थोड़ा सा जल्दबाजी में या हड़बड़ी में आप लोग हो सकते हैं, जल्दी जल्दी काम को निपटाने की कोशिश आपकी रह सकती है। 444 एंजल नंबर मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो कि बात करता है आप लोग बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और डिवाइनली गाइडेड हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ाते जाइए, फॉलो करते जाइए।
अगर आप लोग कोलैबोरेशन में या पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते थे, टीम वर्क में काम करना चाहते थे, तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए उसमें, आपको अच्छे पार्टनर रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर अपने बिज़नेस में। ऑल्सो यहाँ पर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, नॉलेज और विजडम को आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाएगा। एंड साथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपके फादर के साथ आपके जो कम्युनिकेशन है या फिर आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके फादर के साथ, आपके ग्रैंडफादर के साथ या आपके कोई ब्रदर के साथ, बड़े भाई के साथ आपका रिश्ता अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि लव लाइफ की बात करें तो अगर आप लोग सिंगल हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने लिए प्रपोजल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई न्यू पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। फ्लर्टी एनर्जीज में भी कुछ लोग जा सकते हैं, मतलब कि आपके पास कोई फ्लर्टी ऑफर आ सकता है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज के ऑफर्स भी नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड साथ में यस, काफ़ी लोगों से आप लोग मिल भी सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, बट वर्चुअली भी और साथ में फिज़िकली भी आप लोग मिल सकते हैं। कुछ लोगों से मीटिंग्स होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों की। सो यस, आपकी लव लाइफ में काफ़ी कुछ होने वाला है इस हफ्ते, आपको काफ़ी लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका मिल सकता है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा डिनाइल के मोड में हो सकते हैं कि नहीं, मुझे और अच्छा ऑफ़र चाहिए अगेन। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो ऑफ़र आपके पास आ रहा है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, एंड साथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके अगर रिलेशनशिप में आप लोग हैं तो आपके पार्टनर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, इमोशनली आप लोग काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। बट थोड़ा सा आप लोग है ना एग्रेसिव नेचर में रह सकते हैं, अगर आप उनसे अगर आपके पार्टनर से थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो आप लोग इग्नोरेंस वाली मोड में आ जाएंगे कि अब मैं इग्नोर करूँगा, पूरा जी भर के मैं इग्नोर करूँगा, तुम्हारा हो गया ना अब मैं करूँगा इग्नोर तुम्हें, तो इस तरह की एनर्जी में आप लोग आ सकते हैं। और ब्लॉकिंग या अनब्लॉकिंग के सिचुएशन में नाराज़ होना, रोटना मनाना, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। और आपकी फैमिलीज़ में आपके रिलेशनशिप की बातें हो सकती हैं, बट आपकी फैमिलीज़ यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बट अगर आपके फादर फिगर नहीं मान रहे हैं आपकी फैमिली में, तो थोड़ा सा वो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा उनसे डील करना आपके लिए टफ़ हो सकता है। ठीक है, एंड साथ में मुझे नज़र आ रहा है अगर आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं तो थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर आप लोग परेशान, थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज इतनी ज़्यादा टेंशन इस हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी या टॉक्सिक सिचुएशन में अगर आप हैं तो थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ लव अपना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग इमोशनली स्टेबल इस हफ्ते फील करेंगे। हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि आप लोगों को हेल्थ वाइज वैसे ठीक ही है, खेल कूद में आपका ध्यान लग सकता है। और मुझे यही लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा गुस्से को अवॉइड करना है, एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है आपके अंदर हेल्थ वाइज। ओके, वैसे मुझे हेल्थ वाइज सब ठीक ही नज़र आ रहा है आपके लिए। और अगर आप लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे या कुछ हेल्थ वाइज परेशान चल रहे थे, तो आपसे कहा जा रहा है एक्टिवनेस लेकर आइए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा एक्टिव एनर्जी में आइए। ठीक है, अगर आप लोग एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं तो भी आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, अभी कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए, ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग, तो उसको भी कंट्रोल करना है। ठीक है, जेमिनी कॉम्प्रोमाइज़, यस, बैलेंस, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर है, बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ आपको हर तरह से बैलेंस करके चलना है। थोड़ा सा यहाँ पर अपनी इंट्यूशन का भी ध्यान रखना है, हो सकता है आपको इंट्यूटिव गाइडेंस रिसीव तो हो रही है लेकिन आप लोग उस मोड में नहीं है कि आप उसे पिक कर रहे हैं, तो इंट्यूटिव चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो आपका मन आपसे कह रहा है वो सुनने की आपको ज़रूरत है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से, अपने गॉड से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और यस, यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके गॉड, आपके ईश्वर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। सो देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ आपके लिए और अच्छा बना हुआ है। सो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप उदास होकर बैठ जाएं, नहीं, आपके लिए कुछ और बढ़िया सा बेटर बना हुआ है। सो चिंता मत कीजिए, जब आपको मिलना होगा तब वो मिल जाएगा। ओके, सो यस गाइज, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।